बताएं निम्रा, यस आपने मैम, बनाई है? रेफोसेंट। जी मैम, मैंने भी बनाने की कोशिश की है। करें अपना स्क्रीन शेयर। कर रही हैं आप? हेलो मैम, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके हाँ जी, हो रही है। मैम, ये बनाइए पोस्ट। आपको मैंने क्या साइन की थी? मैम पैसे आपने कहा था कि फेसबुक की पोस्ट बनानी है, जो फेसबुक कवर बनाना है, पोस्ट बनानी है। आपने लास्ट लेक्चर लिया था? आई थिंक नहीं, मैंने एक लेक्चर मिस किया है। ये आपके फेसबुक के लिए है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपी राइटिंग। नहीं, फिर कॉपी राइटिंग की पोस्ट नहीं मैंने बनाई मैम, वो मैंने लेक्चर नहीं लिया, फिर अभी अटेंड नहीं किया ठीक है, फेसबुक मैम। ये ठीक है फेसबुक के लिए? ठीक के लिए ठीक है, लेकिन आपकी राइटिंग, आपका मकसद है उसमें आप चीजों को ज्यादा जो है वो इनहेंस करके दिखाओ। आपकी इमेज बहुत ज्यादा है इसमें और कंटेंट बहुत जो है ना वो एक साइड पे लगा हुआ है। कोशिश करें ये एक कि और बनाइए, ये देख लें। जी ये भी ठीक है, ये बेहतर है। कौन हाँ से दोनों में से ये बेहतर है? ठीक है। नहीं जी, इसको आपने पोस्ट कर दिया है फेसबुक पे? मैम, अभी पोस्ट नहीं किया, मैंने कहा आपको दिखा दूँ एक बार फिर फाइनल कर दूंगी। अब आपने डिफरेंट ग्रुप्स में भी पोस्ट कर दीजिए कहाँ पे? अपने फेसबुक में, पोस्ट कर दीजिएगा। जी ठीक है मैम। और ये कवर बनाया है, एक ये है और एक और बनाया है, ये भी देख लें। ठीक है, आपको मैम इन दोनों में से कौन सा ठीक है? दोनों ही ठीक है, आप दोनों शेयर कर सकती हैं। पहले वाला बेहतर है, उसके कलर ज्यादा एनहांस। जी ठीक है मैम। अच्छा जी, बाकी आपने जुनैरा आपने बनाई है? यस मैम, मैंने बनाई थी और आपके साथ शेयर भी की थी। शेयर करें फाइनल वाली स्क्रीन, शेयर करें। हाँ जी, ये तो हो गई ना आपकी, उसके लिए फेसबुक के लिए। दी अदर वन, जो आपको मैंने आई थिंक स्कूल के लिए दी थी। यस मैम, मैंने सेव किया है, मैं देख रही हूँ, एक सेकेंड। ओके। YouTube थंबनेल पे बनेगी, उसमें आपकी सर्विसेज लिखी जाएंगी, कैनवा पे बनेगी।
इसको यहां से सेव चाहे कर ले, कल बना लीजिए टेस्ट और इमेज कल हो जाएगा। हाँ जी मिली। ओके स्कूल एडमिशन कंट्री स्कूल रजिस्ट्रेशन फी कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। गुड ओके मैम। चलें जी नेक्स्ट हमने क्या करना था। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है हाँ मैं तो मार दूंगा। मैम, मुझे कॉपी राइटिंग के लिए पोस्ट फिट कर दें, साइन किस टॉपिक पे बनानी है। ठीक अच्छा करते हैं आज का पहले लेक्चर लें। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। नहीं मैम अभी तो नहीं हो रही, अभी तो ये प्रीवियस स्टूडेंट की। आप अपनी स्क्रीन ऑफ करें। जुनैरा आप अपनी स्क्रीन ऑफ करें। अच्छा जी हमने आपको सबसे पहले जो है वो कॉपी राइटिंग के बारे में कहा कि आप एक एक अपनी इमेज बना लें ताकि आपको जब ये वाला लेक्चर लें तो आपको इसको समझने में फायदा हो और इजी हो, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है। इसमें थोड़ी टेक्निक यूज होती है कि आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं हर प्रोडक्ट के लिए। जैसे मैंने सबसे पहले रिजवाना ने हमें जो चेक कराई वो क्या थी, अबाउट ज्वेलरी, दैट इज अ प्रोडक्ट बेस्ड। उसके बाद आपने जुनैरा की देखी जो कि सर्विस बेस्ड था, जो कि स्कूल के ऊपर थी, उनकी सर्विसेज होंगी, उनके प्रोडक्ट नहीं होंगे। अब ये दो किस्म के मेन बिजनेसेस होते हैं, इनमें आप किस तरीके से नेक्स्ट कॉपी राइटिंग करते हैं। एक्चुअली व्हाट इज कॉपी राइटिंग, कॉपी राइटिंग इज अबाउट ऑल अबाउट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, वेब पेज डिस्क्रिप्शन, आप जो लैंडिंग पेज, कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हो जो सबसे पहले उसका पेज ओपन होता है दैट इज द लैंडिंग पेज। उसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट, जैसे आप दराज ओपन करते हैं तो वहां पे कोई आप शूज की के लिए करते हैं तो उसको ऊपर पूरी जो है वो शू की पिक्चर होती है, उसके बाद एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, और साथ में अगर कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आपको पूरा जो है वो उसकी इंस्ट्रक्शन, यूज एंड इंस्ट्रक्शन भी बताई होती है। दैट इज ऑल अबाउट कि आपने एक प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना है और उसके लिए कॉपी राइटिंग लिखी जाती है। कॉपी राइटिंग आप किन किन वे में कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के जरिए कर सकते हैं, वेब पेज का जो ऊपर राइटअप लिखा होता है, जैसे कि जहाँ पे लिखा होता है कि साइन अप करें, ठीक है, वो जो पेज होता है जिसके ऊपर आपको लिखा होता है, जो अबाउट अस का पेज हो गया, या फिर आपको होम पेज नजर आता है, दीज आर ऑल अबाउट जो भी उसके ऊपर लिखा जाता है वो कॉपी राइटिंग में आता है। कॉपी राइटिंग का असल मकसद होता है बेचना, जो आप बेच रहे हो प्रिंट फॉर्म में। एक तो हो गया ना प्रिंट फॉर्म, कैसे सोशल मीडिया की अब जो आपने बनाई है पोस्ट, ये आपके एक तरह से मैनुअल है फॉर चार्जिंग। अच्छा जी ये क्या है, आपने जो बनाई है ये लोगों के पास एज अ मैनुअल जाएगा। मैनुअल बुक किसे कहते हैं, आप प्रॉस्पेक्टस देखते हैं किसी भी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, बिफोर एडमिशन उसमें क्या लिखा होता है, ऑल अबाउट दैट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। उसमें ईच एंड एवरीथिंग किसके बारे में लिखी होती है, उस यूनिवर्सिटी के जो है वो प्रीवियस रिकॉर्ड, उनके विनिंग जो पोजीशंस होती हैं, उनका यूनिफॉर्म, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इन देयर प्रॉस्पेक्ट। किसी आप बिजनेस के बारे में जाते हैं जहां पे आपको ब्रोशर्स मिलते हैं डाटा के, उस पे आपको ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन के, अगर आप जैसे कोई कंपनी हो गई, अर्बन यूनिट हो गया, ठीक है, या प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, उसके जो ब्रोशर्स होते हैं उसके ऊपर पहले तो आ जाता है उनका इंट्रोडक्शन, एंड देन उसके बाद पूरी जो है वो उस कंपनी के अबाउट, अबाउट कंपनी, सीईओ के बारे में, उसके बाद वो क्या करती हैं, उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो लिखी होती हैं, उनको साथ में विजुअल्स भी दिए हो रहे होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आप किसी चीज का सेल बना रहे हो, कॉपी राइटिंग
आप सेल भी बोल सकते हो, कॉपी राइटिंग को आप कॉपी सेल भी बोल सकते हो। आपने एक्चुअली क्या देना होता है, एक प्रिंट फॉर्म में अपने लोगों को एक मैनुअल पकड़ाना होता है, एक बुक पकड़ानी होती है। इट्स नॉट अबाउट ओनली बुक, कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट हो सकती है जो जो के बताए के व्हाट वी आर। ठीक है, इसमें आप ईमेल के जरिए भी कर सकते हैं, इसमें आप सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी कर सकते हैं, इसमें आप एप्स के जरिए भी कर सकते हैं, और उनके जो है वो सब्सक्राइबर्स जो है वो बढ़ाने के लिए ईच एंड एवरीथिंग जो कि आप यूट्यूब पे करते हो। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉपी राइटिंग। अब कॉपी राइटिंग करते कैसे हैं, सबसे पहले कॉपी राइटिंग के लिए आपके पास जो है वो थोड़ा लॉजिकल माइंड होना चाहिए। आप एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे होते हो। आप देखते हैं कि सम टाइम आपने इंस्टा ओपन की तो आपके पास आपने कोई पेज फॉलो किए होते हैं, पेज फॉलो भी ना करें तो ऐसी एड्स जैसे कि जैसे ईडन रॉब की हो गई, अलकरम की हो गई, वो आपके माइंड में क्या पैदा कर रहे हैं, ग्रीड पैदा कर रहे हैं। उनके डिजाइन, वो जो कैटलॉग्स होती हैं, वो सारी आपको दिखाने के लिए, हालांकि आपने उनको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बट उनकी पोस्ट इस तरीके से डिजाइन होती हैं, उसमें जो कैप्शन राइट किए होते हैं, कैप्शन जिसे कहते हैं, जो आप पोस्ट के नीचे राइट करते हैं उसे कैप्शन कहते हैं, वो आपको के 50% सेल हो गई। ठीक है, समटाइम जो है वो 3,000 का जो है वो एक ड्रेस है, लेकिन उसको उन्होंने काट के उसके ऊपर लिखा हुआ है 1900 यू से, और दिस इज ओनली 1900 रुपीज। तो ये क्या है, आपके अंदर एक ग्रीड पैदा कर रही है। तो सेम सेंस में जब आपने कॉपी राइटिंग करनी है, आपने भी इस तरीके से लोगों के इमोशंस के साथ खेलना होता है। सेल्स हाँ तभी होती हैं जब आप लोगों को ये बयान कर सकें कि आपकी ये जरूरत है। अगर आप ये पूरा ना हो सकी तो आप जो है उस उनके अंदर जो है वो एक जैसे कि महरूमियत पैदा कर देते हैं। ये ब्रांड्स ने ही काम शुरू किया है कि इस तरीके से पोस्ट बनाना और ये ग्रीड पैदा करना। एक्चुअली एक तो इसका डार्क फैक्ट यही है कि ये भाई आपके लिए जो है जो कस्टमर है, हमारा जो माशरा है, उसके अंदर एक भूख पैदा कर रहा है। लेकिन एट द अदर एंड जो हमारा कॉपी राइटिंग का एक सिलसिला है, उसमें हमने अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए अपनी सेल्स के साथ इमोशनल टच देना होता है। वो इमोशनल टच जो है वो लोगों को कन्विंस करता है ताकि वो उनकी चीजें खरीद सके। समझ आई है अब कॉपी राइटिंग की कुछ, यस मैम, बताएं। जी मैम, तो क्या समझ आई है, अब देखें कि आप किसी आप देख रहे होते हैं बिग हाउस, उसके अंदर जो है वो इंटीरियर इतना अच्छा किस्म का होता है, तो उसमें आप इंटीरियर डिजाइनिंग डेकोरेशन डेट के वो जो रियल स्टेट वाले, रियल स्टेट कहते हैं बिल्डिंग मटेरियल जो के कमर्शलाइज करते हैं, उन्हें बेचते हैं, उनका कमीशन लेते हैं। ठीक है, अब वो उसमें आपको इस तरीके से वो पोस्टिंग करते हैं पिक्चर्स की ताकि लोग जो है उसको अपना एक ड्रीम बना लें। वो अब देखें, हमारा यहाँ पे थोड़ी सी समझने की बात है, एक होता है आपकी लीड्स और एक होती है सेल्स। लीड्स किसे कहते हैं, मैंने आई थिंक पहले भी बताया था। अब देखें कि मेरे पेज के ऊपर मेरा है, अगर मेरा रियल स्टेट का एक पेज है, उसके ऊपर मैंने ऐसे घरों की पिक्चर्स लगाई हुई है, उनके इंटीरियर्स की, उनके एक एक रूम की। ठीक है, तो अब आपका क्या है, आप उसे विजिट कर रहे हो, यू डोंट हैव इनफ मनी टू बाय दैट हाउस, बट यू हैव समथिंग इन योर माइंड के अगर मेरे पास इतने पैसे हुए तो मैं नेक्स्ट में इसको बाय करूंगा। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी जो शूज हैं आपके, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, आप लेना चाहो, आपके माइंड में वो ग्रीड पैदा हो जाता है। ओके, यू विल स्ट्रगल फॉर डैट, आप उसके लिए मेहनत करते हो, आप उसके लिए पैसे जमा करते हो, तो वो आपकी लीड है, आप उनकी लीड है। वो कैसे लीड है कि आपने उनको अपनी विश लिस्ट में बना लिया है। आप जब दराज ओपन करते हैं, वहां पे एक होता है एड टू कार्ट और दूसरा होता है विश लिस्ट। किसी ने देखा है ये फीचर उसमें?
मैम होते हैं दोनों। एड टू विश लिस्ट कर देते हैं, इसका मतलब है वो आपकी विश लिस्ट में है, जब भी आप दराज ओपन करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन देगा, दिस इज योर विश लिस्ट, आप उसे ओपन करेंगे आपके माइंड में आएगा वो आई हैव ओनली 1000, इंशाल्लाह इन नेक्स्ट मंथ आई विल एड सम मोर रुपीज एंड बाय दिस ड्रेस, तो दिस इज कॉल्ड के आप उनकी लीड है, लीड वो जो उनके माल में, उनका काम में, उनकी सर्विस में, उनके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट तो लेते हैं लेकिन वो खरीदते नहीं है, दिस इज कॉल्ड लीड। अब कैसे सेल में कैसे कन्वर्ट होगा, कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, अगर 100 लीड्स ऐसी हैं, 100 लीड्स होंगी तो उसमें 50 तो सेल करेंगी ना, जिन्होंने 100 ने विश लिस्ट में ऐड किया है तो उनमें से 50 जो है वो अब इस महीने में उन्होंने ऐड कर लिया, और 50 इसका मतलब है उनके लिए वही लीड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो उसको बाय कर लेंगी डेट विल कार्ड देयर सेल। ये दो टर्म्स यूज होती हैं इन डिजिटल मार्केटिंग, लीड्स एंड सेल, और ये कॉपी राइटिंग में समझनी बहुत जरूरी है कि आपकी कॉपी राइटिंग अगर उनकी सेल्स या लीड लेके आ रही है तो इट्स मीन कि योर कॉपी राइटिंग इज परफेक्ट।